संकट के वक्त केंद्र सरकार को बचाने वाले मुलायम सिंह यादव ने केंद्र के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सरकार को दिशाहीन बताते हुए मुलायम सिंह यादव यहां तक बोल गए कि वो विपक्ष में हैं और विपक्ष की ही भूमिका निभा रहे हैं। तस्वीरें चंद दिनों पहले की है। मनमोहन सरकार के 3 साल पूरे हुए थे और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सरकार के साथ गलबहियां कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद को विपक्ष में बता रहे हैं। देश के सामने एक चुनौती हम सब के सामने है और विशेषकर हम लोग जो विपक्ष में हैं, उनके दल के जो कारनामे हैं, उन कारनामों को हम नापसंद करते हैं, वो देश के हित में नहीं। मनमोहन सरकार को हर मुश्किल से बचाने वाले मुलायम सिंह के सुर बदले बदले से हैं। कोयला घोटाले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, क्योंकि उनके सामने सच्चाई नहीं आई। इतने घोटाले, इतना भ्रष्टाचार, कभी किसी ने कभी सपना भी नहीं देखा था कैसा होगा। और कौन लोग हैं उसमें, बड़े बड़े लोग। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक के लिए जब नेताजी बेटे अखिलेश के साथ कोलकाता पहुंचे तो केंद्र सरकार को लेकर भी सवाल हुए। मुलायम ने बिना वक्त गंवाए सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिया। इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो चुनौती जो भी है सत्ता चलाने वाले उनकी गलत नीतियों के कारण। आप देख रहे हैं कि कोई भी एक स्पष्ट नीति नहीं और कोई उपलब्धि देश को नहीं मिल पाई। सरकार के खिलाफ भड़ास निकालने के बाद सफाई देने से भी नहीं चुके नेताजी। ऐसे नहीं कि उनके दल के खिलाफ हों, ऐसे खिलाफ हों, उनके दल के जो कारनामे हैं, उन कारनामों को हम नापसंद करते हैं, वो देश के हित में नहीं है। अब सवाल ये कि जब सरकार की नीतियां पसंद नहीं है तो क्यों मुलायम सिंह हर बार यूपी के ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। मनोज लोहिवाल के साथ श्याम, कोलकाता, आज तक।